नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं पप्पू रेगवार हूँ बांसी के, और मेरे साथ 1 तारीख को घटना हुआ था। मछली मैं तस्लीम भाई के डैम पे, तस्लीम भाई के कहने से मछली के काम कर रहा था, तो उन्होंने कहा चौकीदार आया, बोल मछली मांगा हमसे, मछली मेरे पास नहीं था और नहीं था, उसने गाली गलौज करने लगा मेरे साथ, तो लगने उसरी का मछली दो, हमने भाई साहब मछली नहीं है। इस पर उनने गाली गलौज करते हुए उन्हें फायर कर दिया मेरे ऊपर, फायर किया मेरे पास, मेरे गोली का छर्रा मेरे दाहिने बाएं साइड पेट में घुस गया। यहाँ भर्ती है ललितपुर में, ललितपुर से रेफर होके मैं झांसी चला गया, और झांसी से जैसे मैं लौट के आया हूँ वहाँ से मुझे आए दिन दबाव बन रहा है कि मतलब राजीनामा कर लो, राजीनामा नहीं करोगे तो साले अभी तो गोली चला बच गया, लेकिन अब नहीं बच पाओगे, जान से मार के फेंक दूंगा, तो जितना जल्दी हो राजीनामा कर लो। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं घर पे नहीं रह पा रहा हूँ, बाहर बाहर भागे फिर रहा हूँ। उसके बाद मैं कप्तान साहब के भी पास गया, तो सब जगह गए थे, मेरे कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी जान माने बिल्कुल खतरा बना हुआ है जी। नहीं, हिसाब किताब मेरा तस्लीम भाई से है, मछली ठेकेदार से, ये उत्तराखंड किच्छा का है, और काफ़ी टाइम से मैं उनसे पैसे भी के लिए कह रहा हूँ कि भाई साहब मेरा पैसा भेज दो, बच्चे का, मछली का, बीज का, तो अभी तक उन्होंने कोई पैसा भी नहीं भेजा। बोला आजकल आजकल करके मुझे 3-4 महीना लटका दिए। हो सकता है इसके लेके मैंने कप्तान साहब को भी मैंने कहा हूँ कि मेरा पेमेंट डला हुआ है मछली के बच्चे की, हिसाब किताब, वो भी नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको उन्हीं के द्वारा हमला तो नहीं कराया गया? अब हो सकता है, हो सके उसमें करवाया हो, इसका पूरी जांच होना चाहिए, और जिसने हमला किया है उसका जेल भी भेजना चाहिए।